पे ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का उत्तर रेलवे का जोनल वार्षिक अधिवेशन है जी। और ये अधिवेशन ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो कर्मचारी हैं और आम नागरिक हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है जी। आपने अभी देखा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के 2005 से लेकर अब तक उसका कोई निपटारा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रमोशन रुक गए हैं और अभी माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन लोगों का न तो सीनियरिटी से प्रमोशन हो रहा है न रोस्टर से प्रमोशन हो रहा है। तो ऐसे मसले हैं जिन पर यहाँ चर्चा होनी है। इसके अलावा जो एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जो 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ और उसके बाद हमने 4 अप्रैल को दिल्ली में एक दलित संसद का आह्वान किया था जी। और उसमें प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, हमने मांग की थी कि जो एट्रोसिटी एक्ट है उसके लिए अमेंडमेंट बिल पास किया जाए, तो वो सरकार ने पास कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद अभी भी जो लोग 2 अप्रैल के केस में जिनको FIR दर्ज हुई थी, जिनके खिलाफ केस लगे थे, अरेस्ट किया था, वो FIR को अभी भी वापस नहीं लिया है। और इसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जो अंडर सस्पेंशन है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं युवा जो आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, जो जेल के अंदर हैं या उनके खिलाफ़ में FIR लंबित हैं और उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो हम ये जो अधिवेशन है इसमें ऐसे मसलों पर भी चर्चा करेंगे, साथ साथ जो रेल मंत्री है उसका भी ध्यान आकर्षित करेंगे कि रेल के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति का बैकलॉग है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है और काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जैसे एक्स कैडर पद है उनमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। और हमारा जो रेगुलर कैडर है इसको प्राइवेटाइज करके और ख़त्म किया जा रहा है, आउटसोर्स करके काम कराए जा रहे हैं, इससे रोजगार के अवसर घट रहे हैं। तो इसका जो सीधा सीधा प्रभाव है वो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का आम आदमी है उसके ऊपर पड़ रहा है। आपने बहुत बड़े पैमाने पे बहुत दिनों से बहुत सालों से ये आप संघर्ष कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को लेके याचिका भी दायर की थी और आपके शायद विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके पक्ष में आ रहा है मैडम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे एक लाम बंद कर दिया है। देखिए हम काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आपको पता है 2012 से हमने राष्ट्रीय दलित पंचायत के बैनर पर महारैली की थी दिल्ली में, 2013 में भी की, 14 में भी, 15 में, 16 लगातार कर रहे हैं। और हमारी एक मुख्य मांग ये है कि जुडिशरी है उसमें जब तक रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं होगा जब तक ये जुडिशरी की तरफ से इस तरह के जजमेंट आते रहेंगे, और सरकार भले ही कितने संविधान संशोधन विधेयक पास कर दे लेकिन जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं वो जुडिशरी के माध्यम से इसको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। जैसा आपने अभी देखा एट्रोसिटी एक्ट के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो पास हो गया है, लेकिन उसके ही अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर SLP फाइल करके उसको चैलेंज किया गया है। तो ये के सोची समझी रणनीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है उसको ख़त्म करने का प्रयास जुडिशरी के माध्यम से चल रहा है। तो इसलिए हमने मांग की है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन हो और जो आरक्षण का प्रावधान है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित के जो कानून हैं इनको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इनको सीधा चैलेंज नहीं किया जा सके न्यायालय में। BL बैरवा जी, जिस तरीके से आप रिजर्वेशन प्रमोशन की बात कर रहे हैं और आपका और ये पूरे भारत का संविधान खतरे में, उसे 9 अगस्त को भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर संसद मार्ग पर जहां सारी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, CBI सारी होती है, उसके देखते हुए संविधान को जलाया गया। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी माहौल है और उसी नीति के तहत संविधान को जलाने का काम किया ताकि हम लोगों की जो आत्मा है उसको ठेस पहुंचे और बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ है उसको जला करके बाबा साहब का भी इसमें अपमान है। आपने देखा है, लिखा हुआ है संविधान में कि संविधान की अवज्ञा देशद्रोह है जी। लेकिन आज तक ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और जो मुकदमा जिन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था उसमें देशद्रोही के तहत जो धारा लगनी चाहिए वो नहीं लगाई गई। तो ये कहीं न कहीं सरकार की भी इसमें मंशा हमारे खिलाफ है कि जो देशद्रोही का सीधा काम कर रहे हैं और उस पर देशद्रोही की धारा नहीं लगती है, तो ये क्या इंडिकेट करता है। हमारे कई ऐसे जो लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज के हित में आंदोलन करे और उनके खिलाफ में देशद्रोही की धारा के तहत मुकदमे दर्ज हो गए। आपने अभी चंद्रशेखर आज़ाद को देखा कितने दिनों बाद वो छूटे हैं
कितनी प्रताड़नाओं के बाद में, तो ऐसा क्यों होता है? टोटल जो एनवायरनमेंट है, चंद्रशेखर ही नहीं है, अभी जो बहुजन की बात करेंगे, बहुजन एक्टिविस्ट है, उन 5 लोगों को भी नजर बंद कराया है और पहले भी गिरफ्तार किया है। जी जी, ये इसीलिए हमने एक लेटर प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है और उनसे आग्रह किया है कि जो आपने प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के बाद जिस तरह से आपने संविधान की सीढ़ियों को चूमा और आपने कहा कि जो भारतीय संविधान है यही मेरा शास्त्र होगा, और आपने ये भी कहा कि यदि भारत का संविधान नहीं होता या बाबा साहब नहीं होते तो मैं आज इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता जी। स्मारक बनाए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्मारक, तो आप जब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो ये आरक्षण को बचाने में या एट्रोसिटी के खिलाफ सख्त कदम क्यों नहीं आप उठा रहे हैं? यदि ऐसा नहीं करते हैं तो लोग फिर ये ऐसा सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमको बाबा साहब के नाम पर बरगलाया जा रहा हो जी। और जो वास्तविक काम करना चाहिए वो नहीं किया जा रहा हो। तो हमने प्रधानमंत्री जी से भी इस तरह की मांग की है, तो आज के अधिवेशन में ये सारे मुद्दे छाए रहेंगे। अभी जीएम साहब हमारे यहाँ बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसका भी अनावरण करेंगे और वो अपना संबोधन भी करेंगे, और पूरे दिन भर जो हमारे उत्तर रेलवे के डेलीगेट हैं ये अपनी समस्याओं पर चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति भी बनाएंगे।